कार्यवाही हो सकती है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुन, अभी 2 दिन पहले ये सेरो लाइव कॉम्पार्टा लाइव तेरी, तूने तूने वो स्पेनिश तूने स्पेनिश पोर्न स्टारों की तूने कॉपी की, सेरो लाइव कॉम्पार्टा लाइव फुल पोर्नो। अब तेरी कॉपी वो सैंडी कर रही थी, सैंडी ने अभी 2 दिन पहले पोर्न लाइव चलाई थी, पता है तुझे वो? ओ माय गॉड, सोनिया की टक्कर पनौड़ी तुमको लगता है कोई लेगा यार? अरे लेकिन ये चीज तो गलत है ना सोनिया। चलो तुम तो एक समाज से बाहर फेंकी हुई औरत हो, मैं एक तुम्हारी समाज देखी समाज का हूं, मैं कोई फेंकी हुई बंदी नहीं हूं। मेरा रहना खाना देखो, मैं अकेले ऐसी जगहों पे रहती हूं। सो दैट इज नॉट कि मैं फेंकी हुई हूं यार। आई एम बीइंग ह्यूमन गर्ल्स। चलो ठीक है, तुम चूदी हुई औरत हो, वो तो मानती हो ना तुम? हाँ, ये बोला हाँ मैंने। हाँ तो तुम चुदी हुई औरत हो, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम दूसरों की जिंदगियां खराब करो। अब तुम्हारी नकल वो सैंडी कर रही है, वो सैंडी ने 3 लड़कियों को अपनी लाइफ पे नंगा कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या पूछना वो चाहता पता हूं कि लड़कियां ये ही होंगी, क्या पता मैंने वो। तो मैं लाइफ पे नहीं था एक्चुअली, वो शायद पता नहीं 2 दिन पहले अमेरिका क्या पता की वो रात कोई को। और हो। भाई मुझे लाइव शेयर हुई थी जिसमें वो लड़की बहुत सारी मैं हरकतें कर नहीं रही मान थी। सकती, लड़कियां कभी भी लाइफ पे ऐसी नहीं हो सकती। सोनिया ने तो थूक थूक के चाटना पसंद नहीं। आप सोनिया की कॉपी लोग कर सकते हैं पनौड़ी, यू नो वेरी वेल। और वो लड़कियां तो कभी नहीं करेंगी, वो कर ले वो अलग बात है। गॉट इट? तो शी इज ए अच्छा नॉट गर्ल्स। गर्ल्स कभी नहीं करेंगी, सिर्फ गर्ल्स एक ही कर सकती है, वो जो बाहर की अलीशा। अलीशा की कॉपी कोई नहीं कर सकता। अच्छा 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 तो अभी तुम कहाँ जा रही हो? मैं एक्चुअली बैंकॉक जा रही हूँ घूमने के लिए अच्छा अभी रात की फ्लाइट है तुम्हारी, जी। तो अभी तो मैं कितने दिन एयरपोर्ट हूँ, के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ मैं अभी। मैं कितने दिन के लिए जा रही हो तुम? एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ पनौड़ी। तो किसके साथ जा रही हो, अकेली जा रही हो या फिर किसी नहीं, अपने मैं कस्टमर एक के? मुर्गे के साथ जा रही हूँ। एक मुर्गे के साथ ही काम हो सकता है ना, तो एक मैं मुर्गे के साथ जा रही हूँ। अच्छा, तो पूरा खर्चा उसका ही है, फ्लाइट का, होटेल्स का, सबका? चालू, आप घर से तो कई बार टिफिन लेके जाना पड़ता है ना, बाहर के टिफिन महंगे पड़ते हैं। अब वो घर से टिफिन लेके जा रहा है तो क्या बुरा है इसमें? अच्छा, तो तुम ये मत सोचा करो कि लड़कियां आज के टाइम में पोर्नो कर रही हैं। तुम लड़कियों का नाम नहीं खराब करो बनौड़ी, वो कोई और है। अरे मैंने जो भाई मैंने जो देखा वो बोला, वहां पे 2 लड़कियां थी, 2 लड़कियां, सैंडी खुद यूं यूं करके सब अपना दिखा लंबे रही थी। बाल रखने से और ये चीज बड़े करने से एवरी रुक, गर्ल इज सैंडी, नॉट एक मिनट रुक वर्थ। जा, सैंडी को मैं ऐड करता हूँ, वो खुद बोलेगी कि हाँ भाई सच बात है ये। सैंडी सभी आ जा लोग भाई, मेरा सैंडी गाना जरूर देखिए, #बालमा। ये बहुत अल्टीमेट सॉन्ग है, आप लोगों को आई होप सो कि बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज मेरे गाने को सपोर्ट करना, #बालमा। आप जरूर देखिएगा मेरा सॉन्ग, इज वेरी लविंग एंड वेरी एंजॉयिंग सॉन्ग। मारा बाल मा मन वेल वेट का लहंगा ला दो रे, मारा बाल मा, मारा बाल मा मन वेल वेट। बनौड़ी तुमने एक बार भी मेरे गाने को प्रमोट नहीं किया, दैट्स वेरी बैड। वो बहनचोद, उस दिन 4,500 लोग के साथ मैंने तुझे लाइव पे बिठाया था, तू थी, तेरा हीरो था, भूल गई तू, कुछ भी बोलती है? था मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। अरे तूने ही तो बोला था कि तेरा जो गाने में हीरो है उसको तू अच्छा, कॉमेडी सर्च कर। गॉट इट माय लव, माय जानू। दीपक की आइडिया आ गई तुमको, पता है पनौड़ी? हाँ मुझे न्यूज़ मिला है, बीजेडी हाँ, उसका की अकाउंट आईडी है जो। आ हाँ गया, उसका अच्छी अकाउंट उसको मिल गया। अच्छी बात है फिर ना यार। हमारी तो बहुत खुशी की बात है। देखो यार, कल भी वो हमारा अपना था और आज भी वो हमारा अपना है। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि हम 4 दिन चले गए तो लोग भूल जाते, पनौड़ी देखो ये तो दुनिया का दस्तूर है। सही बात है, ठीक है, तो अब सोनिया पोर्नो नहीं करेगी तो भाई कोई और तो करेगा ही ना। सोनिया के भरोसे थोड़ी ना कोई बैठेगा कि सोनिया आएगी पोर्नो करेगी, मम्मी हिलाएगी, नीचे उंगली करेगी, तो ऐसा तो नहीं है ना यार। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत ही खुशबू आ रही है आज मेरे तन बदन में से, ओह माय वाह। गॉड, मेरे बदन में अच्छा आग तो सोनिया, मैं ये बोल रहा था
के कल तुमने वो जो लाइव देखी थी, जिस लाइव में मैं एंड ऑफ द लाइव मेरे इमोशंस पे मैं काबू नहीं कर पाया और मैं रोने लगा, तुमने वो लाइव देखी थी कल? नोड़ी, कल मैं इतनी बिजी थी, मेरा शेड्यूल इतना बिजी था बहुत ज्यादा, बिकॉज कल मुझे किसी रिबन काटने वाले ने बुलाया हुआ था अपने पास। तो दो दो रिबन काटी होगी उसने? उसने मेरा रिबन काटा था, देखो ऐसे काटा, और काटा अच्छा ही अच्छा कांटा लगा, अच्छा आई लगा, हाँ आज आई कांटा लगा, इधर लगा उधर लगा, इन भड़कों के सारे कांटे निकालूंगी मैं एक एक करके, तुम देखना जो आ रहे हैं तो ना। कल की लाइव में ऐसा हुआ सोनिया के अक्की और माइला मेरी लाइव पे आए थे और वो दोनों खुले आम कार के अंदर, दोनों खुले आम एक दूसरे को चुम्मा चाटी कर रहे थे। ओ माय गॉड। और जो अक्की की जो वाइफ है उसको जलाने की बहुत ही उन लोगों ने साजिश की कल। अब तुम सोचो, वो देख के मैं रोने लगा कल कि कितने घटिया लोग होते हैं, इंसानियत नाम की चीज इस दुनिया से। तो दुनिया में नहीं रही, मैं तो तुम्हें आज रियलिटी एक बात बता रही हूँ यार, इसलिए पनौड़ी मैं लोगों से ना बहुत दूरी बना चुकी हूँ, मैं अब लाइफ में भी बहुत, ये तो तुम्हारी लाइफ में मैं ऐड होती हूँ बिकॉज वी आर ऑल फ्रेंड, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं किसी की लाइफ में भी नहीं जाती हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया यार। लोग वो चीजें कर रहे हैं जो हम करके छोड़ चुके हैं, तो वो कहां से कोई बराबरी कर लेगा हमारी, ये बताओ, कोई सही कर बात है। लेगा? तो नहीं कर सकते, तो करने दो, बनौड़ी बनौड़ी रहेगी, सोनिया सोनिया रहेगी, किसी के कहने से कुछ बदल सकता है? नहीं हो सकता, मैं तो वैसे भी बॉदर नहीं करती यार बनौड़ी, अब किसी को भी नहीं, दो नहीं चार वो बात हजार फॉलोअर्स लेने से या लाखों फॉलोअर लेने से कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाता, ठीक है ना? सेलिब्रिटी तब बनता है जब उसका काम होता है, लोग काम देखते हैं सेलिब्रिटी वाला, फॉलोअर्स तो क्या है? मैं कहती हूँ एक फेक फेक फोटो तुम चार लड़कियों की लगा दो, लोग तुम्हें भी फॉलो कर लेंगे फेक अकाउंट पर, दिस नॉट बिग डील। यस बनौड़ी, वो बात तो है, लेकिन कल यार मैं सच्ची में मैं एक्चुअली कल मैंने लाइव बंद कर दी थी, लेकिन यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स बने हुए हैं, मैं भाई कल इसलिए, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए, मैं इसलिए कल मैं रोने लगा कि मैंने ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में कभी देखी नहीं है। मैं आई नेवर यू नो, वो जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी माइला, तो मुझे वो देख के एक अंदर से मुझे घुटन महसूस होने लगी कि यार कैसे ऐसे कोई कर सकता है, यू नो, कैसे कोई किसी की जिंदगी खराब करके किस दो जिंदगी। ये तो आप लोगों ने देखा, चलो माइला और अति एक उस पे हैं, लोग दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपको, लड़कियां भी कुछ ऐसी होती हैं कि उनको पता है कि बंदा अच्छे परिवार से अच्छे घर से, तो उनको खराब कर देती हैं, ठीक? तो मैं तो यही कहती हूँ यार, प्लीज आप जितने भी लड़के हैं लड़कियां हो, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को किसी के चक्कर में प्लीज खराब मत करना यार, प्लीज, क्योंकि जिंदगी में हर चीज मिल जाती है, माँ बाप और एक बच्चे, एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं मिलती किसी को, तो प्लीज यार आई हम्बल रिक्वेस्ट, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, शायद मेरी कॉम्प्रोमाइज मेरी बेटी है, अगर वो नहीं होती तो शायद मैं भी इस दुनिया में बनौड़ी नहीं होती, आज मैं तुम्हें रियलिटी बोल रही हूँ। यहाँ पे अब कुछ नया तरीका मैंने सोचा है, कुछ नई चीजें मैंने आज सोची है, आई होप सो कि वो चीजें सारी काम कर जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत बहुत गंदी चीजें हर रोज दुनिया में होती रहती है, हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हजारों करोड़ों चीजें होती है, ठीक है, लेकिन यार अब हम सब लोग वो चीजों को देख के हम सब लोगों ने आंखें बंद कर दी, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको वो कभी ना कभी स्टॉप होगी। तो यार मैं तो नहीं देख सकता ये सब चीजें, बनौड़ी तो मेरे साथ मैंने यही था, जो मेरा हस्बैंड था वो मेरे सामने किसी और बंदी के साथ सेक्स करता था, मैंने आज तक ये बात लाइव पे नहीं बताई, मैं आज बताती हूँ, उसने मुझसे झूठ बोला था कि ये मेरी दोस्त है, सिर्फ देखो लड़कियां ही लड़कों की लड़कियों का कई बार घर उजाड़ देती, वो मेरी इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मेरे पति पे डोरे डाले, आज मेरा घर, उसको लगता है कि मेरा घर, उसने मेरे सामने, उसको जब मेरा उससे ब्रेकअप हुआ, मेरे को वीडियो कॉल करता था उसके साथ, मुझे जलाते, मैं बहुत रोती थी, एक औरत का दर्द मैं भी समझती हूँ बनौड़ी, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं भी समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ यार, मैं ये नहीं जानती कि उसकी उसकी वाइफ पे, कि मैं दुनिया की हर एक औरत को समझ सकती हूँ कि जिसका आदमी किसी और औरत के साथ ये चीजें कर रहा हो, उस औरत के दिल पे क्या बीतेगी। हाँ, तो
जो रुचि का है उसके पास पूरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी इंस्टाग्राम के लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे मुरीद हैं, सब लोगों की क्या बोलते हो, हाँ सब लोग सपोर्ट है, रुचिका के सपोर्ट में है। आज मैंने कुछ नई चीजें सोची है, जो मेरे नीचे मेंबर्स बैठे हुए हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि महिला का एड्रेस यहाँ पे टाइप किया जाए, महिला का फुल एड्रेस नीचे टाइप किया जाए। और इस ये जो चीज है उसमें मैं एक बात बोल देता हूँ सभी व्यूअर्स को, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए है, यहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता हूँ जिसको देख के सामने वाले का दिल कलपने लगता है, लेकिन वो सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं करूंगा इस कॉन्ट्रोवर्सी में। ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। ना तो मैं अक्की को गाली दूंगा, ना तो मैं महिला को गाली दूंगा। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उन लोगों को कोई गाली नहीं देगा, उन लोगों को कोई भी गाली नहीं देगा, ठीक है। ये जो कल अक्की ने बोला था कि अब देखते हैं पनौड़ी भाई क्या होता है आगे, तो यार अक्की मैं भी तुझे बोलता हूँ कि ये मेरा वादा है मेरे भाई तुझसे कि मैं तेरी घर वापसी करा के ही रहूंगा, वो भी बहुत प्यार से, गाली गलौज के बिना, कोई धमकी के बिना। पनौड़ी तेरे नहीं हाथ जोड़ के, एक मिनट सोनिया, कुछ भी कर, तेरा हाथ जोड़ के, तेरे पैर पड़ के, कुछ भी करके भाई मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन भाई मैं ये बात को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो नीचे जितने भी व्यूअर्स मेरे बैठे हुए हैं, जिन लोगों के पास मेरे जो टीम के मेंबर्स हैं, उन लोगों के पास अपने ये महिला का एड्रेस है, तो प्लीज महिला का एड्रेस नीचे लिखो, मैं उसको पिन करूंगा प्लीज। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैं चाहता हूँ इस लाइव को जितनी भी हो सकती है शेयर करो यार, बिकॉज के ये जो चीज हो रही है आज, वो किसी की हम हेल्प कर रहे हैं, ना तो किसी को पैसा देना है, ना तो किसी को कुछ करना है, ठीक है। बहुत ही छोटी चीज मैं आज करने वाला हूँ, शायद आज तक के इतिहास में ये चीज हुई नहीं होगी, मैं नहीं मानता हूँ कि ये सारी चीजें कभी हुई होगी। तो प्लीज महिला का एड्रेस यहाँ पे, प्लीज मैं सारी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, महिला का एड्रेस जिसके भी पास है मेरी टीम मेंबर्स के पास, उनका एड्रेस फटाफट लिख के मुझे भेजो, मैं उस एड्रेस को पिन करूंगा प्लीज। बाकी मैं एक बात बोलूं यार, मुझे बहुत फील है कि पनौड़ी एक औरत आदमी की लड़ाई के चक्कर में बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उन बच्चों का क्या कसूर होता है यार, वो तो बेचारों को कुछ पता भी नहीं होता। उन बच्चों के दिल पे पूछ के देखो, जिनके सर से बाप का साया उड़ जाता है, माँ का साया उड़ जाता है यार, क्या उन बच्चों के दिल पे होती है। इसीलिए ये लड़ाई रुचिका के लिए है, रुचिका के लिए तो है, लेकिन उसके बच्चे के लिए है, उसके बच्चे के लिए है, महिला की लड़की के लिए है, ठीक है। तो और मैं कोशिश करूंगा कि महिला का जो एक्स हस्बैंड है उसके साथ मैं कनेक्शन कांटेक्ट बना के शायद मैं उसको भी लाइव पे लेके आऊंगा। भाई यहाँ पे यार एड्रेस भेजो जल्दी यार, तुम लोगों के पास एड्रेस है, जब जरूर होती है यार तुम लोग कभी लिखते नहीं हो। और बाकी देखो ये, मैं जितनी मर्जी मॉडल बन जाऊँ, मैं हाँ एक मॉडल हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, अगर मैं जो रील बनाती हूँ लोगों को हंसाने के लिए, और मेरा पर्सनल लाइफ से इंस्टाग्राम का कोई भी लिंक नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, अकेली हूँ ना, मैंने किसी का घर तो नहीं बर्बाद किया, मैं बहुत खुश हूँ पनौड़ी बात कि मैं किसी को अपने साथ लेके नहीं चल सकती, जब मैं किसी का घर पता नहीं चलता ये भाई जी। भाई यार तुम लोग डीएम से मुझे दुनिया भर की चीजें भेजते रहते हो, जहां पे जरूर है यहाँ पे वो एड्रेस टाइप करके भेजो, मुझे वो एड्रेस को पिन करना है, उसके बाद में आगे की बात करूंगा। मेरा दूसरा फोन स्टोर पे है, मेरा दूसरा फोन स्टोर पे है, तो इसीलिए मैं वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ के मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ। और पनौड़ी उस दिन में तुम्हारी लाइफ पे जब थी तो वो इसलिए डीके ऐड नहीं हो पा रहा था क्योंकि डीके ने मुझे ब्लॉक कर रखा है अपनी लाइफ से, इसलिए नहीं मैं ऐड हो पा रहा था, मुझे बाद में देखा। अच्छा, मैंने फेक अकाउंट से उसने मुझे ब्लॉक कर रखा था, फक ऑफ। अच्छा उसने तुम्हें ब्लॉक किया था? अच्छा, मुझे कर रखा था, तभी मैं तो लाइव पे बैठी थी क्योंकि वो मेरे को लाइव शो ही नहीं हो रही थी,
जब मैंने फेक अकाउंट से देखी तो मुझे शो हो रही थी तुम्हारी लाइव। अरे यार ये लोग पता नहीं क्यों, यार ये लोग एड्रेस क्यों नहीं भेज रहे उसका। शायद इनके पास कुछ नहीं होगा ना, ये अरे किसी ने है क्या भेजा तुम्हें नोएडा, डीएम? नोएडा नोएडा सेक्टर अरे मेरे फोर्टी डीएम में वन ये पूरे किसी ने भेजा है, भेजे नोएडा सेक्टर 41 गोल्फ फेस, नहीं, पता वो नहीं नहीं है, पता वो नहीं है। मुझे नहीं उसका लोग एड्रेस, की मुझे लोग की उसका एड्रेस फोटो। मैं देखूंगा ना, मुझे याद आ जाएगा। उसके फ्लैट नंबर से पूरा एड्रेस है यार, यहाँ पे ये लोग एड्रेस नहीं लिख रहे हैं। अब मेरे पास दूसरा फोन मत है। लविश कुछ कुछ दे, अच्छा लविश भी आया हुआ है, हाय लविश कैसे हो। और देखो ये पनौड़ी एक ऐसा अरे बिजनेस है बैबीलोन जिसका डीके एड्रेस भेज यार, इनकी ना गाड़ में ऐसी चप्पल ये मार यूएस दो ब्रांड, ये एड्रेस नहीं है कॉफी उसका 905, वो एड्रेस, पूरा एड्रेस चाहिए मुझे। मार मार के मुंह लाल कर दूंगी इनका अरे मैं। वो 007 के पास एड्रेस है, वो बैबीलोन के पास एड्रेस है यार, जब जरूर होती है तुम लोग भेजते नहीं हो। ए ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर पता नहीं क्या भेजी जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया, इनको खुद तो पता नहीं है। भाई मैंने जिन दो लोगों को बोला है वो लोग एड्रेस भेजो यहाँ पे, जल्दी से जल्दी एड्रेस भेजो, उसके बाद में आगे की बात करूंगा। जो बंदा एड्रेस भेजेगा मैं उसको अपना फोन नंबर दूंगी। एक मिनट ये, नहीं नहीं है यार एड्रेस, लेकिन पता नहीं ये लोग भेज क्यों नहीं रहे। अपना फोन नंबर दूंगी और मुफ्त में भी दूंगी। ओह माय गॉड, जल्दी जल्दी शेयर लाइव कंपटीशन लाइव फुल पानो, जल्दी से शेयर करो, जल्दी 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 बेबी कंपार्टो, जिसको मेरा नंबर चाहिए जल्दी से करो। और राजा 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 तू घोड़ी तू बना जा, बना ले पानी पूरा और सड़िया पे बिछा जा, सैया में खसी की बैया। एक मिनट स्क्रीन ऑफ करके मैं आता हूँ, एक मिनट एक मिनट। ओके शेरुल ये पता नहीं लोग क्या क्या, रोहिणी सेक्टर 24 दिल्ली, पता नहीं बी ब्लॉक फ्लैट नंबर एड्रेस नोएडा, अलग अलग तो एड्रेस भेज रहे हैं लोग। अरे वो दो लोग के पास ही उसका एड्रेस है, लेकिन वो दो लोग पता नहीं क्यों भेज नहीं रहे। फिर बोलते हैं कि बॉस आपको गुस्सा क्यों आता है इतना। अरे गुस्सा ही आएगा ना यार, अब मैं डीएम में पड़ी हुई चीज को क्या करूंगा, यहाँ पब्लिक के सामने मैं नहीं ला पाऊंगा तो। हाय फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है अपने लक को गुड लक बनाने का? तो मैं एक क्या बोलते हैं पनौड़ी, एक ना एक गुड लक करके एक ऑफिशियल ऐप है, जितने भी लोग हैं आप लोग जाके उस पे, कल वो मेरी डल जाएगी स्टोरी पर, जिसको भी पैसे कमाने हो आप सभी लोग उस पे जाके कमाना। उसका नाम है गुड लक ऐप, जो सारी टीम्स की चैन चलाते हैं लक गुड लक बुक, ये एक बुक है आप सभी लोग जाके इसको वो करना ठीक है। और आपको पेटीएम ऑनलाइन नहीं फ्लैट रहा बात से, नंबर 905 ड्रैगन सेक्टर, ड्रैगन ही है ना, ड्रैगन सेक्टर नंबर 62 नोएडा, अप नियर बी ब्लॉक अपार्टमेंट्स, पिन नंबर 201301। भाई भाई नीचे मुझे एक बार कंफर्म करना है, बैबीलोन या फिर वो 007 कमेंट करो कि यही परफेक्ट एड्रेस है ना इसका। और भाई यही इसका क्या परफेक्ट एड्रेस है। हाँ ना, टॉम, भाई यही इसका परफेक्ट एड्रेस है यार, ये लोग पता नहीं कहाँ सबसे, यस लिखा है आपके ये पनौड़ी आदमी के पास, यूएस यस यूएस एक ही बंदा यहाँ पे बैठे हुए, पता नहीं दूसरे लोग कहाँ चले गए आज। ना तो 007 की कमेंट आ रही है, ना तो बेबीलोन की कमेंट आ रही है। तो होठ रसीले मेरे होठ रसीले, सब कहते हैं तेरे टांग उठा के जी ले, होठ रसीले मेरे होठ रसीले, सब कहते हैं तेरी घोड़ी बना के ले ले, हाँ होठ भाई रसीले। वो दीप
2022 पनोड़ी आर्मी का। अच्छा यही है शायद मैसेज, सॉरी फ्लैट, सॉरी एड्रेस यही है। तो सेक्टर 41 लिखा पर कोई 41 कह रहा है, कोई ये वाला कह रहा है। 62, नहीं भाई यही परफेक्ट एड्रेस है उसका, यही परफेक्ट एड्रेस है। ओ माय तो भाई मैं यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, अब आगे की बात ये है कि ये महिला का एड्रेस है, ठीक है, महिला जिस फ्लैट में रहती है ये इस फ्लैट का एड्रेस है। तो जितने भी उसके आसपास रहने वाले हैं, जितने भी उसके आसपास के रेसिडेंसी में रहते हैं, जितने भी लोग नोएडा में रहते हैं, जितने भी लोग इंस्टाग्राम के जो मेन मेन बिग बिग अकाउंट्स है, मैं जितने भी लोग इंस्टाग्राम की लाइव चलाते हैं, भाई मैं सब लोगों को मैं ये चाहता हूं कि ये एड्रेस को सब लोग नोट कर लो। और इस एड्रेस पे मैं ये चाहता हूं कि भाई और कैसे हो। बढ़िया बढ़िया भाई, वो रिमिक्स बनाया पनोड़ी आर्मी ने, मजा आ गया रिमिक्स देख के यार, जिसमें वो तुम उसमें कल सैड कर दिया सबको, हाँ, बहुत जबरदस्त वो करा रिमिक्स उन्होंने। अच्छा उन्होंने तो फ्रेम बनाया, वो लेडी बात करना चाह रही थी तो कॉल किया था तुम्हें, उन्होंने फ्रेम और वो पिल्लो बनवाया। हाँ, मैं मम्मी के घर पे था यार, इसलिए मैंने फोन रिसीव नहीं किया। तो यहाँ पे जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है सुमित भाई, ये एड्रेस है तो माइला का, ये एड्रेस माइला का है, ठीक ओके ओके ओके, सोनिया है। कस्टमर तो मोटा आया आज, बड़ा रूम है। मेरे पर रोज ही बड़ी रूम होते हैं, अच्छा आगे यार पीछे तो मैं वही में होती छोटी है। मोटी चीजों पे हाथ नहीं रखती मैं। यार मैं अच्छा सुमित भाई जरा अपनी बात कर लूँ प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो एड्रेस यहाँ पे पिन किया है सुमित भाई, शायद ये एड्रेस पे शायद नहीं, मतलब 100% महिला रहती है। तो ये जो हमारी जो एक बात चली है, राइट, रुचिका को लेके, हाँ जी हाँ तो जी इस एड्रेस पे सबसे पहले इस एड्रेस पे कल इंडिया की मॉर्निंग को सबसे पहले मैं इस एड्रेस पे मैं फ्लावर भेजने वाला हूं, ठीक ओके ओके, किस है। और खुशी जितने में? भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं ये चाहता हूं कि सब लोग इस एड्रेस पे फ्लावर भेजो। और फ्लावर के ऊपर एक ही नोट होनी चाहिए, सिर्फ एक ही नोट, के गो बैक होम अक्की, ठीक है, एक ही नोट होनी चाहिए, गो बैक होम अक्की। यार मैं नहीं मानता हूं कि 15-20 या 50 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये या 300 रुपये से ज्यादा कोई फ्लावर आता होगा। लाइक आते तो बहुत महंगे महंगे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूं कि अरे भाई हाँ, किसी यहाँ पे इनको को भी। रोटी के लाले नहीं है, तुम फ्लावर्स की बात कर रही हो। अबे तू अपनी कर ले, 100 रुपए में स्टार्ट हो जाते हैं बुके, बढ़िया से बढ़िया हाँ 100 200 में। भाई यार, अगर किसी को प्यार से जीता जाए ना सोनिया, तो मैं नहीं मानता हूं कि किसी का दिल नहीं पिघल सकता है। पनौड़ी जिसका दिल ही उसके अंदर फंस गया तो तुम कैसे निकाल सकती हो? अरे यार सब कुछ हो सकता है सोनिया, सब कुछ हो सकता है यार, वो बंदा उनका दिल का कहना है बहुत। कि उनका उनका सब कुछ, केस कोर्ट सब कुछ चल रहा है, तो आप कैसे निकाल सकते हो हाँ जब वो यार वहां सही पे बात भी है, नहीं रिस्क ले सकते? वो बंदा दिल का बहुत अच्छा है, उसको बहलाया गया है, उसको फुसलाया गया है, वो अभी कुछ वो चांदनी में चकनाचूर हो चुका है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या चीज कर रहा है वो, ठीक यस है। तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है वो, अभी उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, उसको कुछ अय्याशी करने को मिल रही है, अभी उसको कुछ फैसिलिटीज मिल रही है, उसको सारी चीजें फ्री में वहां पे मिल रही है, इसीलिए शायद वो उसके लिए पागल हो चुका है, लेकिन उसको नहीं, पता मत है। वैसे भी वो बहुत प्यार करता है यार अपनी फैमिली से, अपने बेटे को लेके बहुत पॉजेसिव है, रोता है उसके लिए, वो ऐसी बात नहीं, नहीं फैमिली को तो इस वो लाए सचिव रही, देखो, अकी की आज मेरी नहीं बात जाएगा सुनिए, 10 दिन बाद भी कॉम्प्रोमाइज होना है, वो अपनी फैमिली के लिए भी सोचता है, ऐसी बात नहीं है। वो बाकी सच वो में बहुत फैमिली अच्छा तो नहीं, नारंगी, यू नो उसका नेचर भी मैं अच्छा, वो पता लग जाता है, इज वेरी अक्की जेंटल। सुनो 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 अक्की कल ये एक्चुअली मैं कल इमोशनल हो गया था, मैंने लाइव वाइंड अप कर दी, ठीक है। अक्की कल ये बोल रहा था कि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, वो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे 25 लड़कियों के पास जाऊं, लेकिन मेरा बेटा रहेगा। सही बोला सही बोला।
तो अक्की तू मुझे ये बता, बच्चा पैदा कर देने से, बच्चा पैदा कर देने से अपना बेटा या अपनी बेटी हो जाती है क्या? अभी वो 2 साल की जान है, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, उसको पालने पोसने में एक बाप का साया उसके सर पे रहना चाहिए। जो तू ये कह अभी लो अक्की अभी को तू पालन। उसको अभी अभी तू उसको वो सारी चीजें नहीं दे रहा है, तो तू भाई कहाँ का बाप हुआ बता? तूने तो ये बात हुई कि तूने तो भाई तूने अपने बच्चे को पैदा करके तूने सड़क पे फेंक दिया कि भाई इसका अब जो होगा वो होगा, वो अपनी किस्मत पे देख लेगा। तो भाई तू कैसा बाप है, कैसा बाप है तू? कल तू बोल रहा था कि मेरा बच्चा मेरा रहेगा, तो उसको पालने पोसने में इतनी छोटी सी जान को तूने ऐसे ही छोड़ दिया, तो तू कैसा बाप है? तूने खुद को कभी पूछा कि तू तू बाप है या क्या है वो? ओह, और तेरी बात छोड़, ये तेरी बात छोड़, तेरी बात छोड़, महिला के भी 5 साल की लड़की है ना, महिला ने तुझे कभी नहीं बोला कि भाई ये तू छोटे बच्चे को छोड़ के मेरे पास आ गया है? देखो, एट दी एंड जो है ना कॉम्प्रोमाइज ही होता है। और पनोड़ी भाई, तुमने 3-4 दिन कंटिन्यूसली लाइफ चलाई कि भाई अपने भाई का घर बच जाए, आप उसके वेल विशर हो इंस्टाग्राम पे और अच्छी थिंकिंग रखी उसके परिवार के लिए, फ्यूचर के लिए। बट एट द एंड साल, 2 साल, 3 साल बाद आपकी ये लाइफ जरूर याद आएंगी अक्की को, क्योंकि आप अक्की के वेल विशर हो और उसके लिए भाइयों वाली थिंकिंग रखते हो। बाकी देखो क्या होते हैं नारंगजी, देखो हम तो कॉम्प्रोमाइज के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी तो उसकी मर्जी है ना यार। हाँ जी, हाँ हम जी, तो अपनी क्योंकि साइड से कई यही बार बोल क्या सकते होता हैं है, कि गुस्से में कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, जब आदमी हाँ शांत होता है तो सब याद आता है, भाई घर परिवार पहले है या वो है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी कल लाइव चलाई, एंड लिटरली सैल्यूट है भाई आपको, बहुत रोए आप कल, बहुत सबको इमोशनल कर दिया। और अच्छी भाई लाइव देख रहे हो तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपके लिए कोई ऐसे नहीं है दुश्मन इंस्टाग्राम पे, हम सब भाई हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, पनोड़ी भाई भी प्यार करते हैं, ऐसी आपको बात एक नहीं बात है। बोलना चाहता हूँ। कल अक्की का मेरे पे फोन आया था, शायद मैंने गाली आपको रात को फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया था। मत बोलियो मोटे, गाली बोलेगा खोल के रख दूंगा मैं, गाली मत बोलना, अरे मैंने पहले ही बोला है कि ये लाइफ पे कोई गाली नहीं चलेगी, ठीक नहीं, है? गाली नहीं, कल मैंने आपको फोन किया था, जब मैंने रात को आपने नहीं उठाया था फोन, भाई अक्की का फोन मेरे पे आया था। अक्की भाई रोया है कल रात को, मेरे को जब फोन आया तब अक्की मेरे को बोला कि भाई वो रुचिका मेरे घर से अकेली निकल गई थी, ना ही तो मैंने निकाला था ना ही तो मेरे घर वाले ने निकाला था भाई। अरे वो हो गया, वो वो पहले हो जैसे गया। हाँ यार देखो, ये तो जैसे, वैसे भी एक बात बोलूं, उनका फैमिली मैटर है। देखो नारंग जी, हम कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि हाँ हम लोग बिल्कुल उसमें बिल्कुल। प्रेजेंट नहीं है, तो मैं कहती हूँ इस टॉपिक को तो हमें नहीं बोलना हाँ मैं चाहिए। पनोड़ी भाई को कह रहा हूँ छोड़ो टॉपिक को, किसी खत्म की करो, पर्सनल आपने बहुत फैमिली है, कोशिश देखो कर लिया है, और नारंग जी हकीकत चाहे वो में आपकी हो मेरी हो किसी बिल्कुल, की भी हो, हमें नहीं बोलना हाँ चाहिए। बिल्कुल अरे बिल्कुल सोनिया बिल्कुल रुक जाना, पहले बात तो क्लियर करने दे, नहीं क्या अक्की मोटी ने देखो बोला? मेरी बात सुनो, हम उसकी फैमिली में नहीं रह रहे थे ना, हमें क्या पता गलती किसकी है, क्या पता उसकी वाइफ की भी हो, हमें तो नहीं पता ना। हम वहां पे थे नहीं, हम उस चीज को बोल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ इस चीज को तो यार, और आप लोग क्लोज मैटर कर दो। यू नो नारंग नहीं अच्छा लगता यार, किसी की फैमिली है। तुम सोचो, मैं अगर नारंग नारंग मेरा दोस्त है, मैं उसकी फैमिली को घसीटूंगी एक बार के लिए ना, उसको भी दुख होने लग जाएगा। वो बेशक लाइफ पे ये चीज ना भूले, उसको भी दुख होगा कि यार सोनिया को मैंने अपना मान के सब चीज बताया, सोनिया ने पूरी लाइफ में मिटा दिया। हम लोग मेच्योर है यार, दूध पीते बच्चे नहीं, तुम भी 2 बच्चों के बाप हो, 3-4 बच्चों के तो तुम भी बिल्कुल बाप हो, बिल्कुल 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 सही बात ठीक है है ना मोटा। सोनिया, यार रुक जा तू, ये पोनो लाइव नहीं चल रही है, रुक जा 2 मिनट। तो मैं कौन से महंगी होकर तो खड़ी जो पर्नर लाइव चल रही है, तुम पनोड़ी भाई कैसी बातें उसने कर रही मेरे हो, को मैं ऐसा कोई बोला गंदगी कि थोड़ी ना जो कहीं पर्नर रुचिका लाइव खुद चलाने खड़ी घर हो से जाती निकल है। गई थी। भाई तुम हाँ पनोड़ी भाई से बात करो, पनोड़ी भाई लाइव चाल कर रहे हैं, आप सब भाई मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, दिल से लव यू बोलता है। तुम पनोड़ी भाई को बोलो कि रुचिका से बात करो कि तू घर से जैसी चली गई थी ऐसे लड़के को लेके तू आ जा, अब की ये महिला को छोड़ के ओके ओके घर गोल्डी पे आ ओके। जाएगा। और वो बंदे ने मेरे को इतना बोला कि आप मेरे साथ 5 बंदे भेजो, मैं स्टैंप पेपर पे कोर्ट में लखन करके देता हूँ कि आज के बाद ऐसी वो नहीं होगी। और इधर से बात,
खत्म हो जाएगी। क्या पता नारंगी, देखो क्या पता अक्की भी आना चाहते हो, उसकी भी कोई प्रॉब्लम हो गई हो जो वो बेचारा भी नहीं आ पा रहा अपनी फैमिली में। हाँ वो थोड़ा अपने उसको लेके कंफ्यूज है, उसको क्या करना चाहिए, बट वो अपना डिसीजन अब खुद ही लेगा। वो इनफ मैच्योर है अपनी लाइफ के लिए, अच्छा सोच सकता है। मैं हूँ, अगर एक तरफ मैं किसी की बात है भाई, पनोड़ी भाई ने तो पूरी कोशिश करी है ना। देखो अगर एक हो जाए तो बढ़िया है, और फिर भी यार फ्रेंडशिप भले ही चलते रहने दो भाई पूरी जिंदगी के लिए, है ना। देखो सबसे पहले फैमिली होती है। सुनो इस दुनिया में ऐसे बंदे जिन्होंने दो दो शादी की, मेरे पड़ोस में जहाँ पे रहती हूँ ना मेरठ में, वहाँ पे एक बंदी दो बहनों ने शादी कर रखी है और दोनों बहुओं को रखा हुआ है घर में। अक्की मेरी बात सुन, अक्की मेरी बात सुन, अगर तुझे महिला कुछ पैसों को लेके ब्लैकमेल कर रही है, अगर ऐसा कुछ है ठीक है, तो जो भी होगा मैं देख लूंगा, तेरा जितना भी पैसों का जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूंगा ठीक है। अगर ऐसा कुछ है जिसको लेके तू जाना चाहता है लेकिन तू जा नहीं पा रहा है, तो मेरे से एक बार खुल के तू बात कर ले भाई। दिल से बोलता हूँ, तुझे पता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं हमेशा मैं करता हूँ ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो तू लोगों को नहीं बोल सकता, और मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि वो बात मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगा, तो अगर कोई फाइनेंशियल चीजों को लेके अगर तुझे परेशान किया जा रहा है ठीक है, तो उसमें मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, ठीक है। तो और दूसरी बात रही दो मैरिज की, तो भाई दो मैरिज समझ सकता हूं मैं कि लोगों की मर्जी होती है, दो दो लेडीज की अंडरस्टैंडिंग होती है ठीक है, वो सारी चीजें, लेकिन आज के जमाने में मैं नहीं मानता हूं कि लॉन्ग टाइम तक चलेगी ठीक है। मैं नहीं मानता हूं वो चीज को कि लॉन्ग टाइम तक दो बीबी एक ही घर में चलेगी। उसका एक एग्जांपल शायद कौन है, वो यूट्यूबर नल्ला, क्या नाम है उसका, वो मलिक, अरमान मलिक। हाँ वो बहन का लौड़ा राइट। अरे उन्होंने तो इतनी दुर्गति मचा रखी है, मैं तौबा तौबा, इतनी दुर्गति, मैं तो उनको रोज देखती हूँ निकलते बढ़ते ना, और उनके घर में जो बर्तन फोड़, जो उनके घर में चिमटा बनौड़ी, उनके घर में रोज कि उसकी बीबी एक चिमटा तोड़ रही है, एक बेलन तोड़ रही है, एक पलंग तोड़ रही है। बताओ एक बार भाई, गोल्डी गोल्डी अरसाना भी बात करना चाहता है। पलंग को रखोगी अब तुम, एक बीबी को दो दो पलंग पे रखोगे तो भाई सीधी सी बात है, एक मैन में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। चलो वो तो उसकी मर्जी की बात है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उस पे हम नहीं जाते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं उसकी पर्सनल लाइफ है क्या वो ठीक है। लेकिन अगर वो यूट्यूबर है राइट, एंड वो इतना इंडिया में फेमस है, तो उसको ये सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए कि भाई वो सारी चीजों का लोगों पे कितना गलत गलत असर होता है। बट एनीवे तेरी लाइफ है भाई, तेरी जिंदगी है, तुझे जो करना है तू कर सकता है, वी डोंट गिव अ फक अबाउट इट। बट यहाँ पे अपने अक्की भाई साहब की बात चल रही है, तो अक्की जैसे मैंने तुझे बोला, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम्स है तो तू भाई खोल के मुझे बोल भाई, प्रॉब्लम्स तेरी मैं सॉल्व कर दूंगा ठीक है। यार मैं तो, मेरे दिल में तो यही है कि तुम दोनों साथ में रहो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई मैं तो कल से तेरे बारे में लाइव चलाना बंद कर दूंगा। मेरे पास तो अब आपने पूरी मेरे पास यार हम्बल रिक्वेस्ट, अब यार टू मच हो रहा है, आपने पूरी जान लगा दी है, और भाई हकीकत में आपने वो करा। अब तुम कल से लाइव वो मत करो भाई, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो एक चीज का, क्योंकि पनोड़ी भाई तुम्हारे दिमाग में प्रेशर हो जाता है उस बात को, एक बात सोच लेते हो ना तुम तो, मतलब अच्छा ही सोचते हो, बट तुमने तो पूरी जान लड़ा दी टॉपिक पे। कोई भी तुमसे आके बात करता ना पनोड़ी, मत करो उस टॉपिक पे बात। कल यार तुम रो भी पड़े और सब चीज इमोशनल कर दिया नारंग सबको। सब अपनी अपनी यार, नारंग आएंगे सब अपनी अपनी सफाई रखेंगे, कुछ नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनना। वो उसकी लाइफ में उसने अपने तरीके से हैंडल, यहाँ पे वो बंदा पनोड़ी भाई बोल रहा था, अरे मैं तो रू कह रहा था ऐसे, मुझे रुचिका को बोल तू जैसे गई थी वैसे आ जा। तो भाई एक बार रुचिका से भी बात करो कि अक्की ऐसा बोल रहा है, ट्राई करके देख, पांच बंदे भेजते है, अक्की बोल रहा है क्या, आप पांच बंदा भेजो कोर्ट में, मेरे साथ करके देता हूँ। एक बार गोल्डी को लो बताएगा, गोल्डी को पता है उस समय भी ये बात हुई थी जैनिश भाई, तब वो कॉम्प्रोमाइज करा रहे थे, तो इन्होंने गोल्डी ने कहा कि अपने घर में से किसी को ले जा, तो हम चलते हैं ले आते हैं भाभी को, तो वो वाली बात फिर वही रह गई।
फिर वो वाली बात अगले दिन हो जाती है। तो अक्की अक्की कल रोके मेरे को ऐसा बोला कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि अब हम लोगों ने नहीं निकाली थी रुचिका को, रुचिका खुद चली गई थी। यानी भाई किसी की पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में कितने दिन तक इंटरफेयर करोगे यार, उसकी अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से अच्छा सोचेगा ना। अकी ने ये भी कहता है उसका घर का मैटर है, लेकिन लोग बीच में घुस रहे हैं मेरे मैटर में। वो कहते हैं मेरी भी फैमिली है, मैं सबको लेके जाऊंगा, तो ये लोग क्यों बीच में लाइवो में आके अपना बोल बखान कर रहे हैं मेरी फैमिली के बारे में। बिल्कुल सही बात है ना, वो उसके घर का मैटर है, क्या उसके घर में उसकी फैमिली में उसकी फैमिली नहीं है? उसको हमसे ज्यादा प्रॉब्लम उसकी लाइफ में हो रही है, हमें तो कुछ नहीं हो रही है। फिर भी हम तो फिर आ रहे हैं यहाँ पे उसके टॉपिक को छेड़छाड़ के, वो अपनी बोल रहा है, वो अपनी बोल रहा है, वो अपनी। भाई वो भी एक समझदार बंदा है, उसके भी फैमिली में चार लोग हैं। तुम लोग इंस्टाग्राम पे आके उसके हम तो बोल रहे थे हम, अरे वो क्यों तुम लोगों का सपोर्ट लेगा ये बताओ नारंग। वो भी एक समझदार बंदा है, अगर मैं मानती हूँ मैं समझदार हूँ तो मैं इंस्टाग्राम के लोगों यार पनोड़ी भाई इट्स टू मच नाउ। अब आप ये लास्ट लाइक है अगर तो सोनिया तू ऐसा चाहती है कि सबका घर टूट जाए और बेंच और तेरा बिजनेस जो दबा के चले क्या चले। और आपकी आपकी तो भी पर्सनल में बात कर ले पनोड़ी भाई से, जो भी बात है पर्सनल में बात करो, लाइव पे जिक्र। हाँ मैं वही बोल रही हूँ नारंग जी, किसी को घसीटे देखो हम यहाँ पे चार बातें लोग बोलेंगे उसका कोई भी फायदा नहीं है यार। बिल्कुल यार देखो इतनी बड़ी लाइफ चला के यार जिक्र कर रहे हैं डेली पनोड़ी भाई, तो चाह रहे ना कि भाई कपल के लिए भाई, बात ही नहीं। वो बंदा सुमित भाई आज सुबह सुबह में मेरे को फोन करके वो बंदा रोया कैसे ना कैसे करके महिला के पास वो फंसा है, वो बात तो 100% आज मेरे को प्रूफ हो गया। पनोड़ी पनोड़ी देखो पनोड़ी पनोड़ी इज इनफ मैच्योर, उसको पता है कि आगे भी कॉम्प्रोमाइज होना ही है, उसको पता है, सुलझा हुआ आदमी है कि हाँ पता है भाई फैमिली क्या है क्या चीज है, समझ रहे हो, एक दिन होना है कॉम्प्रोमाइज। मगर उस चीज को लेके ना भाई दिमाग में टारगेट मत रखो, जो भी है अपना भाई आज नहीं तो कल दुनिया चेंज हो जाती है, लोग आज कुछ है चार दिन बाद माइंड सेटअप कुछ और हो जाता है। तो भाई अभी थोड़ा वो उस लेवल पे आ गए कि भाई हम लोग उसको बार बार रिपीट आउट कर रहे हैं ना, तो वो अपना डिसीजन खुद ही नहीं ले पा रहा, कंफ्यूज है वो। इसलिए पनोड़ी रहने दो, तुम मत बोलो, तुम्हें मेरी कसम मत बोलो यार, इसके नाम की कोई भी लाइफ नहीं चलाओगे। अगर कोई बोलता भी तुम बोलो, तुम अपनी लाइफ चला के बोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नारंग जी वो पनोड़ी बदनाम हो रहा है बेफजूल की लोगों के बीच में, उन्होंने एक हो जाना है, ये टेंशन लिए जा रहा है। पता है टेंशन में सूख गया, बटोरा हो गया ये सूख सूख कर। कल इतना ग्राहक आया नहीं क्या, रूम में ग्राहक नहीं आया क्या, अकेली दिख रही है। अरे मैं बैंगलोर जा रही हूँ कल, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, एरो सिटी में। देखो दिल्ली एयरपोर्ट पे, ये एरो सिटी वाले में। हाँ ये देखो ये मेरा बैग ये पड़ा। तो अकेले जा रही है कस्टमर? हाँ नहीं मेरे मेरे ग्रुप के लोग जा रहे हैं, तीन चार, वो लोग मुझे वहीं मिलेंगे बैंकॉक में मेरी। क्या बात है बहन, तेरी तो प्रमोशन हो रही है, गाने ले बहन, यूएस ले, वहाँ ले, दुबई ले, क्या बात है यार। देखो ना देखो देखो भाई पनोड़ी भाई देखो इसको देखो, एक ये इंस्टाग्राम पे और ये भैंचोद। आज भी मुझे वो दिन याद है, आज भी मुझे वो दिन याद है आज से चार पांच साल पहले मेरी और दीपक की लाइव पे 150 लोग आते थे। अरे भाई तुम, भाई मेरे को तो पनोड़ी भाई बहुत खुशी हुई आज दीपक की आईडी आ गई वापिस, ठीक है, 4 लाख वाली। 150 लोग आते थे, 150 लोग आते थे, और वो 150 में से एक मिली थी ये रंडी दीदी। देखो आज रंडी दीदी ने कितनी प्रोग्रेस कर ली, देख लो भाई देख लो, सब तुम्हारा आशीर्वाद है भाई, क्या करें। आई एम वेरी हैप्पी यू नो पनोड़ी, मैं तो चाहती हूँ सब अपनी लाइफ में सक्सेस हो यू नो। और जब 150 थे ना, जब इंस्टाग्राम भी कईयों ने डाउनलोड नहीं करा था, फेसबुक पे थे सब, तब इस वजह से फेसबुक पे। हाँ इंस्टाग्राम इतना था नहीं पॉपुलर इंडिया में, इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि उस टाइम पे टिकटॉक चलता था, बहुत सारी चीजें चलती थी। तुम भी देखो गाने निकाल रहे हो, तुम्हारे भी गाने, अरे कितनी अच्छी बात है ना, लोग तरक्की कर रहे हैं यार। नहीं भाई दीपक पनोड़ी भाई और सोनिया भाई देखो पुराने ओल्ड फ्रेंड्स हो तुम, है ना, सब सारी बातों को समझते हो, पुराने हो तुम। पनोड़ी तुम्हारी मेरी दोस्ती, अरे नेट घूम गया भाई, नेट घूम गया भाई, तुम्हारी मेरी दोस्ती को 4 साल तो हो गए होंगे ना, 4 साल हो गए मेरी सोचो। और यू नो इतना लड़े झगड़े फिर भी देखो मैं एक फैमिली की तरह, मैं कभी इसके लिए नहीं बोलती ना, मैंने दीपक के लिए गलत बोला किसी को, उल्टा दीपक ने हरकत की थी मेरी वीडियो वायरल करके। मेरे को सच में नहीं पता था मैं फेशियल करा रही थी पार्लर में बैठकर, जो उसने वीडियो वायरल की धबाधब। ये बात तो पनोड़ी भाई सच है कि 90% दुकानदारी इसकी यहीं से चल रही है, इंस्टाग्राम से सोनिया से, क्योंकि गाना वाना
क्यों क्यों हम नहीं मिले और दीपक नहीं मिला और नहीं मिले, गाने आए गाने आ रहे हैं वो कहाँ मिले हैं तेरे को, जो गाने बलमा गाना है कहाँ मिला है, इंस्टाग्राम पे तो मिला है फिर तो फेमस तो इंस्टाग्राम से ही हुई है यार। मेरी बात सुनो, इतना तो चलो मेरे पास भी है ना, मैं भी अच्छे से इज्जत वो तो तेरे पास मैं मानता हूँ वो तो तेरे पास सब कुछ है, मगर फेमस तो इंस्टाग्राम से हुई स्नैपचैट से। ये देखो ये कौन सी ब्रांड की ड्रेस है, यू नो ये देखो पूरी उतारना इसको उतार के दिखा पूरी ने, तुमको पता ना मैं कैसी ड्रेसेस डालती हूँ अमन की, तो ये पता है मैं वीडियो कॉल कर ब्रांड डालती हूँ भाई। लोग तो 2000 रुपए भी देखे ना पेटीएम में मांग रहे हैं, 5-5 लाख सब्सक्राइबर करके स्नैपचैट भेज देती है 1.5-1.5 लाख में आइडिया। प्रणोदी भाई 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे इसके स्नैपचैट पे, वो भेज दी आईडी 3 लाख में, कोई 2 लाख में भेज देती है, उसमें बढ़ाती है सब्सक्राइबर फिर भेज देती है, कई आईडी में भेजती है स्नैपचैट की। यू नो नारंग जी देखो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है देखो ना, इतना प्यार मिल रहा है मुझे, और क्या चाहिए मुझे, मैं बैंकॉक जा रही हूँ, मैं एक हफ्ता लाइव नहीं आऊंगी भाई। तू तो बताया भी नहीं तू दिल्ली में एरो सिटी में, बिकॉज मैं पता किस टाइम पहुंची, मैं 6 बजे आके पहुंची हूँ, मैं बहुत टाइट थी ये देखो अभी मैं थोड़ा सा। सुमित भाई आप अभी अभी जाओगे तो अभी लेट नहीं हो गया है? नहीं मैं तो 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मेरे घर के पास ही तो है एरो सिटी। बट अब मेरा बदन चूर चूर हो रहा है, मैं सो जाऊंगी थोड़ा रेस्ट करूंगी यार, सुबह मेरी इसको पता है वैन के मैं बुलाऊंगी तो ये पैसा। अरे सुमित भाई मसाज कर देगा ना तेरा। हाँ मसाज है मजा आ जाएगा। अबे कुछ तो कर दे जाने से पहले, कुछ तो कर दे आ जाऊं क्या? ओ राजा 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 तू घोड़ी तू बना जा, बना ले पानी पूरा पासल पे बिछा जा। अच्छा नारंग मेरी ड्रेस कैसी लग रही, सारी बात को बोल। एक नंबर एक नंबर एक नंबर, एक उस पे गाना चला कुंडी लगा लो सैया वो करके दिखा एक बार रील। चलो मैं लगाती हूँ गाना, ठीक है डांस करते हैं, रोना धोना सुन सुन के इतना बुरा मन। वो लगा कुंडी लगा लो जैनिश के लिए बोल और के एंजॉय करो यार, छोड़ो किसी का नाम लेके अब लोग। हाँ वो रील करके दिखा फटाफट भाई, हमारा दिल ऐसा है सोनिया के साथ हो जाए लाइफ बनने के बाद खत्म भाई। जिंदगी बना दी देख लो, अब ये दुबई जा रही है, पहला टूर इसका है दुबई का देख लो एब्रोड, ठीक इंडिया में जो बंदा फेमस बाहर इनवाइट हो रहे हैं, बाहर इसके इनविटेशन आ रहे हैं, 3-4 स्टोर की ओपनिंग करने जा रही है ये। आपका ही दोस्त है ना जिसने बुलाया था, जिसने आपने कहा था कि इससे बात कर लो, अच्छा वो दुबई में रहता है, ओह माय गॉड। हां हां और दुबई में किट्टी भी मिलने आएगी तुमसे, 3-4 स्टोर की ओपनिंग करने जा रही है सोनिया प्रणोदी प्रसाद से की। तो मैंने घर देखा यार जो प्रणोदी भाई का आशीर्वाद से, तुम्हारा आशीर्वाद इतना कामयाब, देखो एब्रोड से काम मिल रहा है, वो जाए एब्रोड से काम मिल रहा है देख लो सोनिया, वो सोनिया दुबई जाए उसके पहले आप उसको कैसे रिबिन काटने का थोड़ा सीखा के आ जाओ भाई। अभी नहीं अरे वो सारी बातें जाने दे सोनिया, मैं ये चाहता हूँ कि अगर तू मानती है कि मेरे और दीपक की वजह से तूने इतनी प्रोग्रेस कर ली जिंदगी में, तूने तरक्की के सारे पुल चढ़ना तूने शुरू कर खुले है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम आज मेरे इतने लोगों के सामने तुम मेरे चरण को नमन करो। यस कोई बात नहीं, तुम्हारी चरण को नमन करती हूँ। वाह जय हो, मुझे मैं सबके चरणों को नमन करती हूँ, नारंग के भी करती हूँ, मोटे के भी करती हूँ, सबको करती हूँ कोई झुकने से हमेशा बड़े होते हैं ना, कौन से ढीले होते हैं, झुकने से हमेशा बड़े नहीं, होते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, तो नहीं, की बात डांट वर्ड कर यार, यू नो ना क्या कह रही, झुकने से हमेशा बड़े होते हैं मेरी डांट वर्ड, मैं हमेशा डांट रील चलाओ कुंडी लगा लो सैया फिट करके लगा रही हूँ जानो। तो जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बैंकॉक दुबई जैसे टूर लगाऊंगी, वेरी वेरी हैप्पी ट्रस्ट मी। यू नो नारंग तुम्हारी दोस्त सच में बहुत अच्छी है यार, प्रणोदी भाई का आशीर्वाद है भाई। देखो प्रणोदी भाई तुमने इतना सक्सेस कर दिया, बाहर की ग्राहक भी नहीं छोड़ रहे हैं, कभी दुबई जाओ बैंकॉक जाओ वर्ल्ड टूर। नहीं नहीं भाई सही है भाई, मैं तो चाहता हूँ सुनने के तुम बहुत तरक्की करो, क्योंकि यार मुझे तो पैसों की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, तो जितने भी मेरे से जो लोग फेमस हुए हैं भाई सब लोग तरक्की करो, सब लोगों को एल्बम्स मिले सॉन्ग्स मिले, ठीक है, मेरा क्या जाता है भाई, तुम लोग पैसे कमाओ। लव यू कुलविंदर वीरे कुल, बढ़िया।
और तुम ये क्या बोलते हैं आज के बाद पनौड़ी तुम उनकी बात मत करना, क्योंकि देखो तुम उनकी बात करोगे चार लोग अपनी अपनी सफाई रखने आएंगे, अरे मैं तो उसको यूं कह रहा था, अरे मैं तो यूं। प्लीज छोड़ दो यार उनकी लाइफ पे, क्यों ना मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यार मैं ना बहुत सारी चीजों को बहुत दिल से दिल पे लगा लेता हूँ तो राइट। कोशिश पूरी जी जान लगा दी है ना, तो अब ये वाली बात होती है ना एट दी एंड, फिर सब यही कहते हैं कि किसी के फैमिली मैटर पे लेके ना भाई आदमी पीछे ही रहे ना तो बढ़िया है, फिर बुराई मिलेगी दोनों तीनों तरफ से, क्या फायदा, अच्छी चीजें नहीं नोट होती है भाई, बुरा एक मिनट में बन जाता है इंसान भाई। और नारंग तुम पनौड़ी को भाई देखो हमेशा रोस्टिंग करते हुए देखा है, उस पे से देखा है, मगर जब अच्छे काम देखो ना तो भाई बहुत, कल सब रोए हैं जितने व्यूअर्स हैं, तुम इमोशनल हो जाते हो सब नीचे भाई, इतने कॉल्स आए कि भाई रो पड़े है ना, तो भाई बहुत कोशिश करी है और शायद ही कोई आपके जैसा दोस्त बनेगा आपकी को मिलेगा लाइफ में, एंड सोचना चाहिए हर किसी को।